बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। धमासा बूटी से बे औलादी का इलाज। धमासा बूटी अठरा और बे औलादी के लिए कामयाबी से इस्तेमाल होती है। बे औलादी जो है बहुत ही अहम मसलों में से एक मसला है जिसका हल साइंस की इस तरक्की के बाद मुमकिन हो गया है। वैसे तो इस मसले के हल के लिए आपका पहला इंतखाब डॉक्टर से रुजू करना होता है, लेकिन आज मैं आपको बे औलादी का घरेलू इलाज बताने जा रहा हूं जो कि एक जड़ी बूटी से मुमकिन है। तो इंशाल्लाह आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से लाजमी नवाजेंगे। तो ये आपके लिए इंशाल्लाह कारामत साबित होगा। ये नुस्खा 15 दिन तक करना है, फिर अपना आपने टेस्ट करवाना है। ये आप मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए चाहे मसला बीवी की वजह से हो या खावन की, इंशाल्लाह शिफा होगी। तो इसके लिए आप इसका तरीक़ाकार समझ लें। धमासा बूटी लें, फिर इसका पाउडर बनाकर आधा चाय का चम्मच पानी के साथ खाएं। अगर इसको ऐसे खाना मुश्किल लगे तो आधा कप पानी में पका कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बड़े साइज़ के अगर आप कैप्सूल भर लेते हैं तो उस तरीके से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वाज़े फ़र्क आपके सामने होगा। धमासा बूटी जो है वो किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी। इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रहमत फरमाएगा। फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।